बाइकर्स के लिए रास्ता खोल दिया है, अभी बड़ी गाड़ी के लिए नहीं खोला, तो बाइकर तो निकल जाएंगे। सर चुमा थांग सेट लगाइए, नंबर लिखिए, परमिट दिखाइए, चले जाओ, उधर सेट लगाओ, परमिट दे दे, परमिट ऑनलाइन दिखा दे उसमें। आपका इधर जा रहे अभी? अच्छा चुमा थांग होके उधर से वो बंद कर रखा ना रास्ता, इधर से लंबा पड़ेगा, इधर से आप जाओ हल्ले पहले, हल्ले पहले, हाँ हल्ले देख के उमिंगला पास देख के फिर जाओ, पेंगोंग से पेंगोंग वहाँ जाओ पहले, पहले हल्ले जाओ, हल्ले पास पड़ेगा। तो सोमरेरी लेक है 173 यहाँ से, तो यहाँ उपसी में हैं हम, और उपसी से दो रास्ते करते हैं, एक मनाली 425 किलोमीटर, लोमा है 153, न्यूमा 133, हनले है 201, चुमाथंग 88। तो ये वाला रास्ता खुला हुआ है, एक रास्ता सिर्फ खुला है, यहाँ से आप हनले पेंगोंग हर जगह जा सकते हो, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो बहुत सारे राइडर अब पेंगोंग के लिए इसी रास्ते से जा रहे हैं, जो चुसल वाला रास्ता, वो चुमाथंग वाला, सॉरी जो चांसल पास वाला रास्ता, वो बंद पड़ा है, सिर्फ एक रास्ता खुला है, क्योंकि दोनों जो पासिस हैं चांसल पास और हमारा खारदुंगला पास, दोनों बंद है फॉर बाइक, फोर व्हीलर के लिए खुला है। तो ये है टाटा एल्ट्रोज, और इसमें है अमित अरोड़ा भाई, जो एपिक ट्रिप इनका यूट्यूब चैनल है, हमारे साथ दो दिन से थे, जो गैंगजिला हमारा स्टे था जहाँ पे ले में, तो भाई कहते हैं हमारे साथ ही रहना आप, क्योंकि जो जो हम हमारी आर्टनरी है सेम भाई की आर्टनरी है, तो वो भी अपना अब रिवर्स ही कर रहे हैं, दो दिन से वो खारदुंगला का वेट कर रहे थे, ये तो नॉर्थ पुलू तक भी जाके आए हैं, नॉर्थ पुलू के आगे नहीं जाने दिया इनको, कल सुबह ही निकल गए थे, और आज भी फिर चेक पोस्ट से वापस भेज दिया इनको भी, 4x4 विद स्नो चेन को तो जाने दे रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, छोटी गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे। फर्स्ट विलेज को हमने अभी क्रॉस किया है, और ये रिवर हमारे साथ साथ चल रही है, इसी के साथ साथ हम चलेंगे, हल्ले रिवर है, कंफर्म नहीं है लेकिन हल्ले रिवर है मैंने पढ़ा था, तो ये हल्ले तक जाएगी ये रिवर हमारे साथ। तो आज का स्टे का थोड़ा देखेंगे कहाँ होगा, सुमडो में होगा या चुमाथांग में होगा, चुमाथांग में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सुमडो में थोड़े कम ऑप्शन हैं, अब देखते हैं भीड़ के हिसाब से है, क्योंकि एक ही रूट खुला हुआ है और इस रूट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और व्यू देखिए, ब्यूटीफुल व्यू। तो ये दो लगातार आर एन ब्रिज आ रहे हैं, एक तो ये आया है, वाह ट्रेन की तरह पार होता है, और ये ग्रुप, चलो और क्या, फोटोग्राफी करनी है कर लेते हैं। ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये थ्री इडियट मूवी में शूटिंग में आपको देखने को मिला होगा, तो ये सामने लिखा हुआ है पिक्चर शूटिंग पॉइंट थ्री इडियट ऑल इज वेल, ये वो ब्रिज है जिसमें वो गाड़ी निकली थी थ्री इडियट में, दिस इज़ द ब्रिज। अब ये नया ब्रिज बन गया है, और ये ब्रिज अब यूज़ नहीं हो रहा है, और नीचे बह रही है अपना हनले रिवर। एक बार फिर देख लीजिए थ्री इडियट की शूटिंग पॉइंट का ये ब्रिज, और ये अब नया ब्रिज बन गया है, क्या क्या म्यूजिक निकलता है इस ब्रिज से, आयरन ब्रिज से मज़ा आ जाता है। गांव में बड़ा थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है, कोई भी लोग रास्ते में आ जाते हैं, और हेमिया सेतु टू सेकंड हेमिया ब्रिज ले लोमा रोड। तो चुमाथांग का रास्ता बहुत ही प्यारा रास्ता है,
और टू वे है, मतलब कि नैरो रास्ता नहीं है, बढ़िया रास्ता है। और 18 के मुकाबले तो बहुत ही शानदार रास्ता है। ये पूरा आर्मी एरिया है, आर्मी रोड है, एकदम पहाड़, कभी ब्राउन कभी काले, ये इस तरह के पहाड़ हैं यहाँ पे चुमाथांग वाले रूट पे। और रोड एक नंबर की है यहाँ पे। मैंने पहले ही बताया कि ये आर्मी यूज़ करती है इस रूट को, जिसकी वजह से इनको इस रोड को बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ता है। चाइना से कभी भी पंगा पड़ जाता है और ये सीधा चाइना बॉर्डर डेंचोक तक जाता है ये रास्ता हल्ले होते हुए। चुमाथांग कितना रह गया? 17 किलोमीटर रह गया सर। 17? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है जी, ओके जी। तो इन अंकल को अभी लिफ्ट दी थी मैंने, ये दूसरी लिफ्ट है। कोई भी बंदा मिलता है यार, इनको बहुत ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत होती है गांव में, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं होती। तो हमारे कोई भी बाइकर राइडर भाई आते हैं तो अगर जगह आते ही तो इनको लिफ्ट दे दिया करो भाई। तो ये है चुमाथांग विलेज और हम कहीं ऊपर रुके थे, ठीक है, पार्किंग में है, क्या दिक्कत है भाई। सभी हम हैं चुमाथांग में और ये आर्मी की वेट कैंटीन है और यहाँ पे हमने ऑर्डर ये राजमा चावल और ये छोले समोसे। तो अभी लंच करके चुमाथांग से फिर आगे निकलेंगे सीधा अपना सुमडो, सुमडो से अपना तीसम मुरेरी लेक। और यहाँ पे हमने अभी लंच कर लिया है, मैंने राजमा चावल भाई मैंने दोनों ने खाए हैं, साथ में समोसे छोले। तो ये चीज़ खा के अब हम निकल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना है इनका आर्मी वालों का। और इकोनॉमिकल है, 150 में हमें, 160 में हम दो लोगों का लंच कंप्लीट हो गया है। तो चुमाथांग से हम निकल पड़े हैं और अब जा रहे हैं अपना सुमोरेरी लेक। और टाइम मिलेगा तो पुगा एक प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे वो भी देखने जाएंगे। तो अभी माहे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं और ब्रिज से हमें राइट को जाना पड़ेगा, राइट में ही है जो माहे ब्रिज है। 2018 में हम आए थे लेकिन हमें जाने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास परमिट नहीं था। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी लेकिन फिर भी भाई माना नहीं, नहीं तो मैं 18 में ही मेरा सुमरेरी हो जाता। और 21 में जब कोरोना चल रहा था और चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तब ये अलाउड नहीं कर रहे थे इधर हल्ले की तरफ, तब मेरा रह गया था सेकंड टाइम। ये मेरा थर्ड टाइम अभी है, थर्ड अटैम्प्ट है। तो ये आ गया है माहे ब्रिज, यहाँ से हमने जाना है राइट। और यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा परमिट, परमिट दिखा दे परमिट। तो गाइस माहे ब्रिज पहुँच गए हैं, सामने दिखाता हूँ आपको माहे, ये है माहे ब्रिज और ये है चेक पोस्ट सामने। यहाँ पे परमिट दिखाया जाता है, जमा होता है परमिट, तो यहाँ परमिट दिखाओ और परमिट जमा कराओ और फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो टीएस मुरेरी लेक है वो कम से कम 50-55 किलोमीटर है, सुमडो आएगा पहले उसके बाद सी मुरेरी आएगा और पुगा के लिए भी यही रास्ता जाता है। तो चलते हैं। तो ये है माहे ब्रिज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं और सुमरेरी लेक को ये माहे ब्रिज जोड़ता है। चलो अच्छी रोड मिल गई, ओहो व्यू देखो यार, सो ब्यूटीफुल। और ये पूरा लैंड स्लाइड एरिया है, ये जितने लूज ग्रेवल्स हैं ऊपर से नीचे आते होंगे बारिशों में। तो जा रहा है टीएसओ मुरेरी लेक, बिल्कुल बियाबान है, सुना है कोई गांव नहीं, कोई लोग नहीं। और चलते रहो, सुमडो आएगा पहले, सुमडो के बाद आएगी सुमरेरी और चाइना बिल्कुल पास ही में यहाँ से। सुमरेरी के लिए हमें लेफ्ट जाना है और ये गांव है यहाँ पे, स्टे के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, पुग्गा पुग्गा।
होटल एंड रेस्टोरेंट सुमारी, ये वो सुमडो है शायद, है 30-40 होगा अभी। तो 34 किलोमीटर और हमें जाना है। हम स्टे का सोच रहे थे, यहाँ पे कोई स्टे लेके सामान रख के जाते, अभी चलो लेक घूम के आ जाते हैं। तो हम हैं सुमडो में, तो ये रूम ले लिया हमने और अपना सारा सामान उतार के यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है तो सामान के साथ कई बार दिक्कत हो जाती है, वो तो मजबूरी में जाना ले जाना पड़ता है। तो सारा सामान सब भाइयों ने उतार दिया है, रूम ले लिया है। 2500 मांग रहा था विद डिनर, तो देखते हैं कितना मैं मानेगा। मैंने 2000 बोले, नहीं मान रहा है। तो अमित भाई भी यहीं रुक गए हैं, सुमरीर चलते हैं अब। तो ये है सुमरेरी का रास्ता, बहुत ही ख़राब है इसकी हालत, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर ऐसा रास्ता मिले तो ठीक है, नहीं तो वो बीच में बहुत गंदे पै जा रहे हैं। तो ये देखिए ग्लेशियर का पानी यहाँ इकट्ठा होके एक बहुत ही खूबसूरत लेक बन गई है यहाँ भी, ये सुमरेरी से पहले आती है और आगे से जाएंगे यूँ घूम के। ये देखिए व्यू, देखिए नज़ारा, देखिए कितना खूबसूरत है। ओहो हो हो, और इस रूट पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। चारों तरफ बियाबान, लोनली प्लेनेट, आप देख रहे हैं लोनली प्लेनेट। और ठंड भी यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे तो लग रहा है 0 डिग्री होगा यहाँ पे टेम्परेचर। और दिल्ली में तो लोग जल रहे हैं 50, और यहाँ 0, कितना फ़र्क है दोनों टेम्परेचर्स में। बहुत गंदी रोड है ये, 30-35 से ऊपर चली नहीं रही बाइक। शुक्र है हम अपना सामान छोड़ा है वहीं पे, नहीं तो 4-5 नट बोल्ट तो गिर ही जाते इसमें। और ठंड तो पूछो ही मत, बहुत ठंड है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी मुझे तो लग रहा माइनस में हो जाएगा। ये है आयरन ब्रिज, रोड का काम बन तो रहा है, अभी चल तो रहा है, पता नहीं कितने साल में बनेगी रोड। अभी भी हमें 17 किलोमीटर और जाना है, और अभी रोड थोड़ी अच्छी मिल गई है। और ये है ITPP का रोड, और इससे पहले हम BRO रोड पे चल रहे थे, और इस रोड को बनाया है ITPP ने। ये सामने लेक नज़र तो आ रही है, पता नहीं ये कौन सी लेक है। इस ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोमरेरी लेक, वो आर्मी का एरिया है, आर्मी कैंट। ये है बस सोमरेरी गांव वो सामने। झूले लेक पे, लेक पे वो गांव कौन सा है, वो है सुमरेरी है, कौन सा आर्मी कैंप है। जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगी तो पानी आई थिंक यहाँ तक आ जाएगा। अभी हम सुमरेरी लेक के अंदर से जा रहे हैं और लेक तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ काफ़ी मिट्टी भी है, हार्ड मिट्टी ना हो, जहाँ बाइक चल जाए वहाँ ठीक है। तो हम चला रहे हैं अपनी बाइक सुमरेरी लेक के अंदर। तो ये है सामने ब्यूटीफुल सुमरेरी लेक।
ऊपर जा रहे हैं सोमोरी लेक से। जो सोमोरी लेक है वो परली तरफ है, हम उल्टी साइड आ गए। गूगल ने हमें यहाँ भेज दिया, जहाँ हम पुल के ब्रिज से आए थे सीधा, जबकि सीधा जाना चाहिए था। वो सामने ट्रक जा रहा है एक, आगे मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है। मुझे लगा कहीं बारिश ना हो रही हो, वाट लग जाएगी नहीं तो। ये देखो सामने कितने बादल हैं, बुरा हाल हो रहा है यार। ठंड ने तो ऐसी तैसी कर दी है। हम यहाँ ले आए थे चुवाथांग से और सीधा जाना था, जबकि करजोक 9 किलोमीटर आगे है। जो गांव है करजोक, जो सोमररी लेक का गांव है, वो 9 किलोमीटर है अभी भी यहाँ से। हम इस पुल से दूसरी जगह चले गए थे, जबकि ये इसी रास्ते सीधा जाना था, लेकिन हमने बैक साइड की लेक व्यू देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। ठंड ने तो ऐसी तैसी कर दी है, बहुत ठंड लग रही है। ये देखो सारी बर्फ जमी हुई है नीचे, कभी इतनी ठंड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है 0 या -0 में टेम्परेचर होगा इस समय। हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं और ये बर्फ ही बर्फ है। अब सीधा जाके बिस्तर में घुसना है। अभी भी 1 घंटे की जाने, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, 30 से ऊपर जा नहीं रही। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, और ये मिट्टी के पहाड़ हैं बिल्कुल। और हम आ गए हैं वापसी सुमदो और अपना ये होम स्टे, जो ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कल रात को मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, क्योंकि रात को हम लेट हो गए थे और थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रूट इतना गंदा है ना, पूछो मत। पूरा रोड टूटा हुआ है, थोड़ा सा रोड बना है, उसके बाद मतलब कि 20 किलोमीटर आपको इतना गंदा रोड मिलेगा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम सुमदो में रुके हुए हैं। ये सामने हमारा कमरा है, ये सामने अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है सुमदो, उसकी एंट्री के पे ही ये कमरा है। ये भी रेस्टोरेंट है, वो भी रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है सोमररी लेक, बहुत ही खूबसूरत है सोमररी लेक, लेकिन रास्ता बहुत ही गंदा है, ये सोच समझ के जाएं। और अभी मैं वाटर स्ट्रीम पे खड़ा हुआ और यही इसी का पानी हम पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। ये सामने ये देखिए। तो यही था हमारे कल का, कल हम आए थे ले से सुमदो, और सुमदो के बाद हम गए सोमररी लेक और वहाँ पे फोटोग्राफी करी, और वहाँ भी बहुत ठंड थी। कल तो इतनी जबड़ी ज़बरदस्त ठंड थी, बता नहीं सकते, माइनस में था कल तो, लेकिन नींद बहुत बढ़िया आई।